हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, हंग्री स्पिरिट्स चैनल ने बहुत पहले यानी के दो दिन पहले ही वीडियो बनाती थी शहनाज की शादी के बारे में। तो के शहनाज गिल की हो रही है शादी, 17 तारीख से एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, रियलिटी शो शहनाज की शादी, जिसका नाम है मुझसे शादी करोगे। तो उसके ऊपर काफी लोगों ने एतराज उठाया था कि झूठी खबर फैला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये है फालतू है, तो फेक न्यूज है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हो। लेकिन फिर रात के एपिसोड में बिग बॉस ने खुद अनाउंस कर दिया और शो का प्रोमो भी शुरू हो गया। तो ये वीडियो हमने अपने हेलो अकाउंट पे भी शेयर की, क्योंकि हेलो पे भी हमारे काफी सारे फॉलोअर्स है, तो वहां पे भी काफी सारा ढेर सारे कमेंट आ गए के नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, शहनाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। शहर कोई बोलता है शहनाज के पापा बॉम्बे आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि ये शो मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट में, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते शहनाज की शादी होना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं शहनाज गिल बिग बॉस के घर में आती है, आके पारस चावड़ा के साथ उनकी एक दोस्ती होती है, अट्रैक्शन होती है, बाद में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो वो चली जाती हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका इस तरह की एक जबरदस्त बड़ी बॉन्डिंग बन जाती है कि बाहर हैशटैग शुरू होता है, हो जाता है सिद्धनाज। तो अब सिद्धनाज को लोग इकट्ठे देखना शुरू हो गया है, सिद्धनाज के फैन जो है सिद्धनाज को अलग नहीं देखते। सिद्धनाज लड़ते हैं तो फैंस को गुस्सा आता है, सिद्धनाज को कोई प्रॉब्लम होती है तो फैंस कभी कहते हैं शहनाज को अकेले खेलना चाहिए, कभी सिद्धार्थ के फैंस जो बोलते हैं नहीं नहीं सिद्धार्थ को वो फेक है, ऐसा है, फिर वो मिल जाते हैं, फिर वो दोनों के फैंस हो जाते हैं। तो ऐसा ये सिद्धनाज के फैंस है जिनको के कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रियलिटी शो है तो ठीक है, लेकिन वहां पे जो सिद्धनाज की बॉन्डिंग है उनको एक दोस्त, अच्छे दोस्त रहने दीजिए, उनको आप हस्बैंड वाइफ मत बनाइएगा, वो बनेंगे भी नहीं, वो बन भी नहीं सकते, और उनकी बाहर जाके हो सकता है कि इस तरह की वो बॉन्डिंग ना बने जो दोस्ती में होती है। तो सिद्धनाज के फैंस नहीं चाहते कि शहनाज की, ये भी लिखते हैं कि अगर 6 लड़के हैं तो 6 लड़कों में एक लड़का सिद्धार्थ शुक्ला होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा तो सिद्धार्थ शुक्ला शो में हो सकते हैं, लेकिन किसी उस शहनाज के एक दोस्त के तौर पे जो कि उसको सपोर्ट करता है, जो कि उसको समझाता है, जो कि उसका वेलविशर है, तो ऐसा रोल हो सकता है उस रियलिटी शो में। तो लेकिन ये शो तो आएगा 17 तारीख से, आप सब देखिएगा, देखेंगे तो 2-4 एपिसोड के बाद हो सकता है कि आपको फिर दिलचस्पी लगने लगे, नहीं नहीं यार ठीक है, तो वो दोस्त ठीक है, दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, सबसे ऊपर का रिश्ता होता है। तो मुझे लगता है कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को दोस्त रहने दीजिए और शो का एंजॉय कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।